नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपेक्स स्टडीज झोटवाड़ा जयपुर में। आज का जो वीडियो है वो काउंसलिंग का जो रिजल्ट आया, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर ने आज जो फर्स्ट राउंड डिक्लेयर कराया रिजल्ट, उसके रिगार्डिंग रहने वाला है। और ये वीडियो जेट और जो प्री पीजी के स्टूडेंट है उनके लिए रहने वाला है। अगर जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है, और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो उन सब के लिए ये वीडियो रहने वाला है। आपको क्या करना है, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, ठीक है, और जेट वाले बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ है, तो उनको आगे क्या प्रोसेस करनी है, वो सब आपके लिए इस वीडियो में रहने वाले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर की, वो आपको पता है jet.auj2024.com आप डालो। जैसे ही आप डालते हो, ठीक, आप उस पर क्लिक करोगे तो साइन इन मांगेगा। साइन इन आपका यूजर नेम और पासवर्ड। जैसे आप यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, ये कैप्शन डालना और साइन इन करना, ठीक। साइन इन करते ही आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। जैसे ही आप साइन इन करोगे तो ऐसा आएगा। अगर आपको कॉलेज या डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, तो जैसे यहाँ मैंने एक आईडी पासवर्ड लिया था, प्री पीजी का स्टूडेंट था कृष्ण यादव। तो कृष्ण यादव को देखो, रारी दुर्गापुरा जयपुर में मिला है, ठीक है। और उसका जो डिसिप्लिन है, डिपार्टमेंट है, वो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ठीक। तो ऐसे आपका अलॉटमेंट आएगा, ठीक है। जैसे इसको पता लग गया कि भाई कृष्ण को उसको दुर्गापुरा ब्रीडिंग मिला है, फिर आप उसको और डिटेल से देखो, व्यू प्रोविजनल है ना, तो आप देखते हो कि कृष्ण को 7 नंबर की चॉइस मिली। अब 7 नंबर की चॉइस आपके नॉर्मल है या पेमेंट है, तो ये पता लगेगा। जैसे आपने काउंसलिंग जब करवाई थी, तब आपने ऑप्शन फॉर्म भरा था, ठीक है, एक तरफ कॉलेज थे फिर डिपार्टमेंट थे, तो वहाँ से आप पता करो कि 7 नंबर पे आपने चॉइस लिखी थी, जो ब्रीडिंग आपको मिला है जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग, तो वो पेमेंट है कि नॉर्मल। तो वहाँ से आप पता कर सकते हो कि नॉर्मल सीट है या पेमेंट। जैसे ये ओपन होता है, अब आपको 2 ऑप्शन रहते हैं आपके पास, ठीक है। या तो आप सीट को एक्सेप्ट कर लो, अगर जो रिजल्ट है वो आपके अकॉर्डिंग आए, आप जो कॉलेज चाहते थे, जो डिपार्टमेंट चाहते थे, वो आपको मिला है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रैंक उन्होंने तो दे दिया। अगर आप उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप अपवार्ड के लिए जा सकते हो ना। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अप्लाई फॉर अपवार्ड असेसमेंट, और एक है अप्लाई फॉर अलॉटमेंट एक्सेप्ट, ठीक है। या तो आप एक्सेप्ट कर लो, आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो तो एक्सेप्ट कर लो, या फिर आप अपवार्ड लगा दो। अगर आप इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, या आपको चाहते थे कि मेरे को ये डिपार्टमेंट मिलना चाहिए था लेकिन मिला नहीं, तो आप अपवार्ड के लिए जा सकते हो। अब क्या करोगे आप, जैसे ही 2 ऑप्शन है, ठीक है, तो आप अगर अपवार्ड के लिए जाओ तो यहाँ पे क्लिक करना, आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक करना, और फिर क्या करना है, गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। आपको पता है अपवार्ड के लिए आपको 1100 रुपये जमा कराने हैं। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो सीट को कि हाँ भाई मेरे को तो दुर्गापुरा मिल गया, जेनेटिक्स मिल गया, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक, तो एक्सेप्ट कर रहे हो तो भी आपको पेमेंट कराना पड़ेगा 1200 रुपये। तो यहाँ से आप जाके गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट, यहाँ से आप पेमेंट कर सकते, ठीक है। ये तो बात हो गई कि आपको क्या प्रोसेस करना है जिनको कॉलेज मिला है। अब आपको ये एक्सेप्ट कब तक करना है, आज से 21 तारीख से स्टार्ट हो गया है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 है। 24 तारीख तक आप इसको एक्सेप्ट करना है या फिर आपको अपवार्ड लगाना है। अगर आप कुछ भी नहीं करते तो ऑटोमेटिक आपका जो कॉलेज या डिपार्टमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको या तो अपवार्ड लगाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, सीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। कब तक, 24 तारीख, डेट याद रखना, 24 तारीख पहले ये सब करना आपको, ठीक। तो यहाँ ये हो गया कि आपने सीट एक्सेप्ट कर लिया या आपने अपवार्ड लगा दिया। अब बहुत सारे बच्चे हैं, अपवार्ड में थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन है, जिनको एक्सेप्ट हो गया सीट तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अपवार्ड में क्या कन्फ्यूजन है कि सर अपवार्ड कैसे लगाए, ठीक है, कैसे अपवार्ड मिलता है। तो अपवार्ड का देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, अब अपन बात करेंगे प्री पीजी, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि उनको अपवार्ड कैसे लगाना है। उसके बाद अपन जो जेट वाले बच्चे हैं उनकी भी अपन इसी वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो किसके लिए है, जो प्री पीजी स्टूडेंट है जिन्होंने मास्टर एंट्रेंस का एग्जाम दिया था, ठीक, उनके लिए अपन क्या करेंगे, अपवार्ड का देखेंगे कि अपवार्ड कैसे लगाना है। बहुत सारे बच्चे जिनको अपवार्ड तो लगा देंगे लेकिन उनको पता नहीं कि क्या होता है अपवार्ड का मतलब। अपवार्ड का मतलब है कि जैसे आपने इधर कॉलेज लिख देता हूँ मैं, और इधर आपका डिपार्टमेंट या डिसिप्लिन,
लिख देता हूँ, ठीक। जैसे मैं एक रेंडमली कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है, जैसे कॉलेज आरसी है उदयपुर लिख दिया मैंने, ठीक है, वहाँ पे आपने सोयल लगाया था, ठीक है, फिर आपने आरसी उदयपुर में एग्रो लगाया था, ठीक, अपने एसकेएन जो जोबनेर है वहाँ आपने सोयल लगाया, ठीक है, एसकेएन जोबनेर में आपने एग्रो लगाया, ठीक है, ऐसे आपने कोटा में सोयल लगाया। तो ये आपकी ये चीज़ें आपने कब करी होगी, जब आपने ऑप्शन फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है, आपने लिस्ट ये बनाई होगी, ठीक है। तो इधर ये चॉइस नंबर है 1, 2, 3, ये 4, ये 5, ठीक है। तो ऐसे और बहुत सारे, ठीक है, बीकानेर के होंगे आपके, जोधपुर यूनिवर्सिटी के होंगे, जेनेटिक्स ब्रीडिंग, इधर सब आपने लिस्ट बना रखी होगी। आपने क्या किया होगा, जब काउंसलिंग आपने करी होगी तब। अब देखो अपवर्ड का मतलब क्या है, जैसे आपको एसकेएन जोबनेर मिल गया, ठीक है, क्या मिल गया, एसकेएन जोबनेर। अब एसकेएन जोबनेर आपका कितने नंबर पे, चॉइस नंबर तीन पे आपको जोबनेर सोयल मिल गया, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे को तो अपवार्ड लगाना है, मेरे को तो उदयपुर सोयल चाहिए था या फिर आरसी एग्रो चाहिए था, उदयपुर जो आरसी है वहाँ एग्रो चाहिए था, आप क्या करोगे? या तो अगर आप सेटिस्फाइड हो कि मेरे को सोयल ही चाहिए था एसकेएन में, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो और आप पेमेंट कर सकते हो 1200 रुपये, ठीक है, 1100 रुपये, ठीक। अब आप क्या करोगे, अगर आपने क्या किया, जो सोयल आपको नहीं लेना था जोबनेर, आपने अपवार्ड लगा दिया कहाँ के लिए, उदयपुर के लिए, आपको उदयपुर सोयल चाहिए। अब अपवार्ड का मतलब है कि इससे नीचे वाले तो आपको मिलेंगे नहीं, जैसे एसकेएन एग्रो कोटा सोयल ये तो नहीं मिलेंगे, अपवार्ड का मतलब ऊपर वाले, इससे ऊपर वाले आप दो ही हैं आपके, ये वाले, ठीक है। तो इन दोनों में से आपको अगर कोई सीट खाली रहती है नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, तो आपको वहाँ और आपके नंबर और रैंक के अकॉर्डिंग आपका वहाँ हो रहा है सिलेक्शन, तो फिर आपका अपवार्ड में यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, अगर सीट खाली हुई तो, ठीक। तो अपवार्ड का मतलब समझ गए, अपवार्ड का मतलब है कि ऊपर वाली कॉलेज है, आपने जो भी चॉइस ऊपर रखी है, जैसे थर्ड नंबर की मिली है, तो आपकी जो ऊपर वाली चॉइस है सेकेंड और फर्स्ट, वो ही कॉलेज आपको मिल सकते हैं उन्हीं में से, आपको नीचे वाली नहीं मिल सकती। बहुत सारे बच्चे हैं तो जिनको मतलब फॉर्म भरने में गलती कर दी, जैसे उनको लगाना था कि एसकेएन उनको एग्रो सोयल तो मिल गया, अब उनको एसकेएन एग्रो चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया था, चॉइस में तो 4 नंबर पे लगाया था, तो अपवार्ड अगर आप लगाओगे तो अपवार्ड मतलब ऊपर का, तो नीचे तो आएगा नहीं, तो आपको एसकेएन जोबनेर एग्रो नहीं मिलेगा, ठीक है, ये तो बाद में मिलेगा लास्ट में स्पोर्ट काउंसलिंग, अब अगर वहाँ पे खाली रहता है आप जाते हो कैंसिल करा के रजिस्ट्रेशन, तो वो तो बाद की बात है, ठीक है। तो अभी के लिए आपको एसकेएन एग्रो नहीं मिलेगा, ठीक है, अपवार्ड मतलब ऊपर वाली जो सीटें खाली है, अगर वहाँ पे खाली है तो आपको मिलेगा। अब इसका जो रिजल्ट है आपका वो कब आएगा, आपका 29 को, जो फर्स्ट जो आपने जो एक्सेप्ट करा है 24 तक जो एक्सेप्ट करेंगे, जो अपवार्ड लगाएंगे, उन बच्चों का जो रिजल्ट है वो 29 को आएगा। इसका मतलब है कि जो सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, 29 को, ठीक है। तो जिन बच्चों को और जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, चाहे वो जेट का हो चाहे प्री पीजी का हो, तो जिनको कॉलेज नहीं मिला है तो उनको वेट करना है सेकंड लिस्ट का, जो 29 को सेकंड लिस्ट आएगी उसका वेट करना है, ठीक है, उसमें हो सकता है आपका नंबर आ जाए, ठीक। तो ये चीज़ हो गई प्री पीजी के लिए कि आपको कैसे अपवार्ड लगाना है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप ये ऑफिस यहाँ के नंबर है, मेरा नंबर है 8740-8683-01, इन नंबर पे आप कोई भी डाउट हो आपको तो वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई डिपार्टमेंट और कॉलेज की, अपवार्ड कैसे लगाना है, बाकी आप सब समझदार हो, प्री पीजी वाले तो सब समझदार है तो वो समझ गए होंगे ना। अब अपन बात करेंगे जेट के, जेट के लिए देखो डिपार्टमेंट तो जेट में होता नहीं, तो जेट में तो सिर्फ कॉलेजें भरी है, ठीक है, क्या भरी है, सिर्फ कॉलेज भरी है। तो अगर वही दो ऑप्शन होंगे आपके पास, आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो आपको या तो एक्सेप्ट करना है या फिर अपवार्ड लगाना है। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं आए तो आप क्या करोगे, आप वेट करोगे सेकंड लिस्ट का, जो कब आएगी, 29 को, ठीक है, 29 अगस्त को जो लिस्ट आएगी उसका आपको वेट करना पड़ेगा अगर आपको कॉलेज नहीं मिली है। अगर आपको कॉलेज मिल गई है, ठीक, तो आप वही सेम प्रोसेस करोगे, या तो एक्सेप्ट करोगे या अपवार्ड लगाओगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जिन्होंने काउंसलिंग में ये भरा होगा, ठीक, मैं यहाँ पे एक बार आपको बता देता हूँ, जैसे उन्होंने सबसे पहले आरसीए उदयपुर लगाया होगा, ठीक है,
जॉब ने लगा दिया, स्कैन लगा दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि अपवर्ड आपको जेट वालों को कैसे लगा, ठीक, क्या डाउट आ सकते हैं आपके। जैसे आपने जोधपुर का लगा दिया, आपने कोटा का लगा दिया, बीकानेर का लगा दिया, और भी बहुत सारी कॉलेज है जो इनके अंडर आती है, ठीक है। जैसे आपके जोधपुर के अंडर आ गई या कोटा के अंडर आ गई, ठीक, झालावाड़ आ गया, ठीक है। इसके अलावा आपको जैसे भीलवाड़ा जो उदयपुर एमपीयूटी के अंडर आता है, ठीक है, एसकेएन के अंडर है, जैसे फतेहपुर है या आते कुमेर भरतपुर, ये कॉलेज है। तो अब अगर आपको जैसे बीकानेर मिल गया, जेट वालों की बात कर रहा हूँ मैं ना, जैसे आपको कहाँ मिल गया, बीकानेर, आपकी आपके नंबर और रैंक के हिसाब से बीकानेर आपको अलॉट हुआ है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपको लगता है कि हाँ बीकानेर ही चाहिए था मेरे को और मिल गया तो आप एक्सेप्ट कर लो। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरे नंबर भी सही थे, रैंक भी सही थी, मेरे को बीकानेर नहीं चाहिए, तो आप क्या लगाओगे, अपवर्ड लगाओगे। क्या लगाओगे, अपवर्ड। तो अपवर्ड की जैसे मैंने आपको बताया था कि अपवर्ड में क्या करना है, जैसे आप रिजल्ट खोलते हो तो दो ऑप्शन रहते हैं आपके पास, या तो एक्सेप्ट करो या अपवर्ड लगाओ। आप अपवर्ड पे क्लिक करना और गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट, वहाँ पे जाना, तो फिर आप पेमेंट करना किसके लिए, अपवर्ड के लिए। अपवर्ड के लिए जो पेमेंट है वो 1100 रुपये, और अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो जो पेमेंट है आपका 1200 रुपये, ठीक। अब क्या हुआ कि उसको ऊपर अपवर्ड चाहिए, तो अपवर्ड का मतलब है अगर उसको बीकानेर के अलावा चाहिए तो अब उसको या तो कोटा मिल सकती है, जोधपुर मिल सकती है, जोबनेर या उदयपुर उसको मिल सकती है, ठीक, अपवर्ड, नीचे नहीं मिल सकती। अब उसको अभी याद आ रहा है कि यार मेरे को तो भीलवाड़ा का हूँ मैं तो, और मेरे को भीलवाड़ा चाहिए, तो अब नहीं होगा। आपने जब ऑप्शन फॉर्म भरा था तो ये लिस्ट बनाई थी ऐसे, ठीक। और अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर वाली कॉलेज, आपको बीकानेर मिली है और आप अपवर्ड लगा रहे हो, तो अगर ऊपर की जो कॉलेज है ये वाली उनमें सीट खाली रहती है तो आपको यहाँ मिल सकता है, नीचे वाली में नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे, ठीक है, जैसे अभी एक कॉल आया था कि एक गंगानगर का बच्चा था, ठीक है, उसने गंगानगर पहले लगाया था, हनुमानगढ़ बाद में लगाया था, ठीक। अब वो बोल रहे कि अब उनको गंगानगर तो मिल गया, अब वो बोल रहे कि हमारे को हनुमानगढ़ में चाहिए, तो उनको अभी तो नहीं मिल सकती, ठीक है। क्यों नहीं मिल सकती, अगर वो अपवर्ड लगाएंगे तो गंगानगर से ऊपर वाले जो चॉइस लगाई थी, ऊपर वाले जो कॉलेज लगाए थे गंगानगर से, वो उनको मिलेंगे, ठीक। हनुमानगढ़ वाला नहीं मिल सकता, क्यों, क्योंकि ये नीचे है ना, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो ये बस इतना सा, उसमें कुछ खास है नहीं, आपको या तो एक्सेप्ट करना है या अपवर्ड लगाना है, बस पेमेंट करना है, कोई खास बात है नहीं। फिर भी डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, आपको नंबर मैंने आपको बता दिए। अब जो प्री पीजी के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी सी क्या दिक्कत आती है कि सर अपवर्ड में, अपवर्ड में जैसे मैंने आपको इधर ये बताया था प्री पीजी वाले बच्चों के लिए, ठीक, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट भी रहता है, तो उनको क्या रहता है, जैसे अपवर्ड का मतलब क्या समझते हैं बहुत सारे बच्चे, कि जैसे एसकेएन जोबनेर मिला उसको और उसको अपवर्ड लगाना है, तो वो क्या सोचते हैं कि आरसीए उदयपुर है इससे ऊपर तो आरसीए एग्रो मिलेगा, नहीं, वो अपवर्ड आपने लगाया है तो वो स्टार्टिंग करते हैं ऊपर से, यहाँ से, ठीक है, वो पहले देखेंगे आरसीए उदयपुर सोयल आपने लगाया था एग्रो से पहले, तो वो सोयल में चेक करेंगे कि सीट खाली है कि नहीं, अगर खाली है तो पहले सोयल देंगे उसके बाद एग्रो देंगे, ऐसे नहीं कि जोबनेर के जस्ट ऊपर तो आरसीए एग्रो है तो वो अपवर्ड में पहले वो मिलेगा, नहीं, ऊपर से काउंसलिंग करते हैं ना यहाँ से, ठीक। यही प्रोसेस जेट में होती है, यही आपकी किसमें होगी, प्री पीजी में, बस प्री पीजी में डिपार्टमेंट रहते हैं, ठीक। तो ये मैंने चीज़ें आपको बताई है जो जेट और जो प्री पीजी के बच्चे हैं उनके लिए, कि अब उनको क्या करना चाहिए, अगर उनको कॉलेज नहीं मिला है तो उनको वेट करना चाहिए सेकेंड लिस्ट का, ठीक है, और सेकेंड लिस्ट का जैसे रिजल्ट आएगा सेम प्रोसेस वहाँ भी यही होगी कि आपको एक्सेप्ट करना होगा, अपवर्ड लगाना होगा, सेम प्रोसेस, ठीक। तो वीडियो अगर आपको सही लगा है तो अपने जो साथी है वहाँ तक शेयर करो, ठीक है, सबके पास ये वीडियो जानी चाहिए, जो भी डाउट है उनके क्लियर हो। फिर भी डाउट रहता है तो मैंने आपको नंबर बताया, वहाँ पे आप कॉल मैसेज कर सकते हो, ठीक। धन्यवाद, शुक्रिया।